हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे नए वीडियोस डालने में इनकरेजमेंट होता है। आज मैं लेके आई हूँ लौकी का सूप। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ लौकी, एक आलू, एक प्याज, चार लहसुन की कलियां, एक छोटा चम्मच गार्लिक हर्ब्स या मिक्स्ड हर्ब्स, एक आधा छोटा चम्मच पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, दो बड़े चम्मच बटर, नमक स्वाद अनुसार और चीज़ क्यूब या चीज़ स्लाइस गार्निश के लिए। सबसे पहले लौकी को छील के छोटे टुकड़ों में काट लें। आलू को भी उसी तरह से छोटे टुकड़ों में छील के काट लें। प्याज और लहसुन को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन गरम करें जिसमें एक टेबलस्पून बटर डाल दें। बटर पिघल जाने पर कटे हुए प्याज और लहसुन को डाल दें और 2 मिनट तक उसे पका लें। फिर लौकी और आलू इसमें डाल दें और फिर 2 मिनट तक इसे भी पका लें। फिर सभी चीज़ों को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लें और करीब 1 ग्लास पानी डाल के 3 से 4 सीटी डाल के पका लें। कुकर का प्रेशर निकल जाने के बाद इस मिश्रण को आप मिक्सर में डाल के पीस लें। फिर उसी पैन में बाकी का बटर वो मेल्ट करें और इस मिश्रण को डाल लें। इसे करीब 5 मिनट तक पका लें। फिर इसमें गार्लिक हर्ब्स, पेपर पाउडर मिला लें। चीज़ स्लाइस से गार्निश करें और गरम गरम सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।